त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग में 5 लाख की मृत्यु क्लेम के एक परिवादी से रिश्वत के 1 लाख राशि के चेक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम के डीवाईएसपी शबीर खान ने बताया कि 14 जून 2020 को आथुना मोहल्ला के सांवरमल की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सांवरमल के भाई मुकेश ने श्रम विभाग में क्लेम के लिए दावा किया था। तब विभाग में लगा रखी अनुबंधित गाड़ी के मालिक एक व्यक्ति ने परिवादी मुकेश से क्लेम पास करवाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। फिर सोमवार को परिवादी मुकेश ने व्यक्ति को 1 लाख का चेक देने के लिए नई सड़क पर बुला लिया। जैसे ही व्यक्ति ने परिवादी से 1 लाख का चेक लेकर जेब में डाला तो एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। टीम के एएसआई गिरधारी लाल, हवलदार नरेंद्र सिंह, दिलीप कुमार आदि ने कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी मुकेश कुमार हमारे यहाँ ऑफिस में एसीबी ऑफिस शुरू में आया था दिनांक 29/6 को। इसने हमें बताया कि मेरे भाई सांवरमल की डेथ हो रखी है, जो जिसका श्रम विभाग का कार्ड भी, श्रमिक कार्ड भी बना हुआ था। श्रम विभाग से जो क्लेम की राशि मिलती है उसको पास करवाने की एवज में मुझसे श्रम विभाग वाले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी इस पर उसने एप्लीकेशन पेश की, जिस पर हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान श्रम विभाग के वहाँ ये दलाल के रूप में कार्य करता है आरिफ, जिसने इसको बताया कि तेरे इस पे 1 लाख रुपए लगेंगे और हम तेरा 5 लाख रुपए का तेरे भाई का मृत्यु का क्लेम पास करवा देंगे और तेरे को 1 लाख रुपए हमें बतौर चेक देना पड़ेगा। उस सत्यापन के पश्चात आज हमने आरिफ को 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथों या नई सड़क पर गिरफ्तार किया है। मौके पर भी कारण है शबीर खान, DYSP, एंटीग्रेशन चूरू। जयपुर के आमेर में बिजली गिरने से हुई जनहानि की घटना को लेकर आज सादुलपुर में राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन समारोह रद्द हो गया। विधायक कृष्णा पुनिया ने बताया कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस महाविद्यालय का उद्घाटन होना था, लेकिन जयपुर के आमेर में हुई घटना को लेकर हमने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। लेकिन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग व किसान पहुंच गए थे, तो हमने यहां पर जन सुनवाई की तथा किसानों की समस्या सुनकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया है। पुनिया ने बताया कि अब 14 जुलाई को मुख्यमंत्री इस महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये दुखी की घटना है कि आमेर में 16 जनों ने अपनी जान गंवाई है। माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया और आपात मीटिंग बुलाई ताकि उन परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाई जा सके या कोई तरीके की सहायता उनसे संबंधित उन्होंने रखी, इसीलिए ये कॉलेज का उद्घाटन स्थगित किया गया। क्योंकि हमारी तैयारियाँ काफ़ी थी और अपने सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, किसान भाई जो पहुँचे थे, तो इसी अनुरूप हमने सबके बीच में इसी तरीके से इस प्रोग्राम को रखना उचित समझा। 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअल तरीके से कॉलेज के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और हमारे युवाओं को इस कॉलेज को समर्पित करेंगे। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की और वांछित निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाओं एवं योजनाओं का समुचित लाभ मिले और आवश्यक सेवाओं को लेकर जिले में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वहीं जिला कलेक्टर ने कोरोना रोधी वैक्सीनेशन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में अब तक के वैक्सीनेशन सहित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित अधिकारीगण मौजूद थे। रतनगढ़ में आज बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक स्तंभ के पास नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा के आह्वान पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक स्तंभ के पास एकत्रित हुए तथा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बड़ी कीमतों को कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राइका ने कहा कि केंद्र सरकार निरंकुश बेलगाम हो गई है, सरकार का किसी व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है, निरंतर बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। इस मौके पर NSUI के राष्ट्रीय संयोजक आकिब खींची, OBC प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष नवीन वर्मा, पार्षद निखिल इंदौरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्र में भाजपा सरकार की हर धर्मिता के खिलाफ जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल की कीमतों में और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर रही है, उससे आम लोगों का बजट है जो गड़बड़ा गया और लोगों की हालत खस्ता हो गई।
इसी के विरोध स्वरूप आज यूथ कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया और मांग की गई है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें हैं उनकी कीमतों में जल्द से जल्द कीमतें कम की जाए, कीमतों में गिरावट लाया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पेट्रोलियम मंत्री ने हमारे जो आम आदमी की कमर तोड़ी है पेट्रोल डीजल की महंगाई में, पेट्रोल 110 रुपये लीटर चला गया और डीजल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, एक आम आदमी त्रस्त है। और हमारे साथियों ने यूथ कांग्रेस खत्मगढ़ के पूरे तमाम दलों के नेतृत्व में हमने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला फूंक कर और इस महंगाई के विरोध में एक प्रतिकात्मक प्रदर्शन किया है और पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आने वाले समय में ये जनता आपको बख्शेगी नहीं। आपने जो ये 2 साल ये और 5 साल पहले 7 सालों में राज किया इसमें महंगाई अपने चरम पे है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आम आदमी एकदम त्रस्त है। तो नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से हम यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आह्वान मांग करते हैं कि तेल की कीमतों में वापस कमी आए और महंगाई जो आम आदमी त्रस्त है उसमें आप महंगाई के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। वहीं चूरू के नई सड़क स्थित पेट्रोल पंप के सामने भी आज जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक संगठन की ओर से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष आबिद कागजी के आह्वान पर मकसूद खान के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विकास बुडानिया, शकील कुरैशी, इशाक खान, सामद खानी आदि मौजूद रहे। राजस्थान अल्पसंख्यक कमेटी की तरफ से महंगाई के खिलाफ चूरू में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई को देखकर केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में काफी रोष है और इसी को लेकर प्रदर्शन आज ये। तारानगर के भाजपा नेता राकेश जंगिड़ के नेतृत्व में आज भाजपाइयों ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पानी व सफाई व्यवस्था को लेकर एसडीएम कार्यालय के आगे धरना दिया। वहीं धरने पर अधिकारियों से लंबे समय तक चली वार्ता के दौरान 10 दिन में समस्या का समाधान करने का लिखित आश्वासन देने के पश्चात धरना 10 दिन के लिए स्थगित किया गया। इस अवसर पर कुर्डाराम शर्मा, कपिल शर्मा, त्रिलोक रैगर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा अनुसूचित मोर्चा के लोगों ने प्रदेश में दलितों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेघवाल ने बताया कि पिछले 2.5 वर्ष के शासन के दौरान राजस्थान प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। प्रदेश के सभी इलाकों में दलितों पर अत्याचार की निर्मम घटनाएं सामने आ रही है। आंकड़ों के अनुसार दलितों के विरुद्ध हो रही घटनाओं के 17,521 मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश में घटित हो रही ये घटनाएं अनुसूचित जाति व जनजाति के मन में भय पैदा कर रही है। इन घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाकर पूर्व में हुई घटनाओं के दोषियों को शीघ्र दंड दिलवाने की मांग आज की गई। इस मौके पर सीताराम लुगरिया, कपिल चंदेल, प्रकाश नायक आदि मौजूद रहे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तब से तो दलितों पर अत्याचार बड़े बड़े हैं और पिछले 6 महीनों में अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार के अंदर दलितों पे इतना उत्पीड़न, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं, हत्याएं की घटनाएं, अनेकों अनेक मारपीट की घटनाएं हो रही पूरे राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम के अंदर एक नागौर में छोटी सी घटना हुई डांडियावास में, उस घटना में राहुल गांधी आके गया, जिग्नेश मीमाणी आया, पूरे राजस्थान में एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के समय में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर इतने दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अपराध की दृष्टि से राजस्थान दूसरा स्टेट बन गया है। अपराध की दृष्टि से SC ST के खिलाफ में अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार के समय दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन अत्याचारों को रोकने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम से आज अनुसूचित जाति मोर्चा चूरू जिले में नहीं पूरे राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं। 11 से 24 जुलाई 2021 तक चलने वाले जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के दौरान खंड चूरू में परिवार कल्याण कार्यक्रम से जन जागृति पैदा करने के लिए आम जन में जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार के लिए IEC सामग्री से सुसज्जित रथ को आज रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, ACMHO डॉक्टर भवनलाल सरवा, RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगजीत सिंह भाटी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर सरवा ने कहा कि पखवाड़े के दौरान नसबंदी ऑपरेशन हेतु नियत दिवस सेवा रहेगी। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एवं नर्सिंग कर्मी उपस्थित थे।
रतनगढ़ में आज राजस्थान किसान सभा के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने, MSP पर गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हुबहू लागू करने, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बड़ी कीमतों पर रोक लगाने, सार्वजनिक संस्थाओं व बैंकों का निजीकरण बंद करने, EVM के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने सहित 9 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया। इस अवसर पर सूर्जाराम जैनी, भादर भामू, संतलाल भारी सहित कई लोग उपस्थित थे। यह है कि जो किसानों पर ये तीन कृषि कानून लाए गए, इनके विरोध में हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमारा धरना भी चल रहा है, और एक MSP की गारंटी ये मांग है। तीसरी मांग हमारी जो है, ये डीजल पेट्रोल के भाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये है EVM हटाया जाए और वोट है वो बैलेट पेपर से दिलवाया जाए। ऐसे ये 5-6 हमारी मेन मांगे हैं। हमारा धरना बहुत दिनों से चल रहा है कि किसानों पर ये तीन काले कानून जो कोरोना काल में अचानक लाए गए, और हम बहुत दिनों से इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तहसीलों पर धरना चल रहा है, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, दिल्ली पर धरना चल रहा है। तो ये सरकार जो ये किसानों के साथ तानाशाही कर रही है, ये रवैया बहुत ही गलत है। अभी कोरोना काल में हमारा जो आंदोलन है वो थोड़ा ढीला पड़ गया, और अभी ये वो आंदोलन है वो हम और आगे ज़्यादा उग्र करेंगे अगर सरकार इस तरह की तानाशाही करेगी। सादुलपुर में निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि और संचालकों ने आज राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से निजी विद्यालयों के प्रति भेदभाव करने तथा बिना TC सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अनुमति के खिलाफ मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम SDM को एक ज्ञापन सौंपा। अनिल सांगवान व सुशील पुनिया ने बताया कि राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एवं दस्तावेज के संबंध में शिविरा पंचांग में दिनांक 15 सितंबर 2016 को जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए शाला दर्पण PSC पोर्टल बना हुआ है। अतः दोनों पोर्टल समान रूप से एवं आदेश से खुले व बंद हो आदि मांगों को लेकर आज यह ज्ञापन दिया गया। सरकार के हमारे शिक्षा विभाग द्वारा एक टूल की फरमान जारी किया गया है, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा नहीं करते हैं। हम उस आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम उसका ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बजा देंगे। और यदि ये इसका वापस नहीं लेता तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमें झगड़ा करने के लिए मजबूर ना करे सरकार, हम भी सरकार का एक वो काम कर रहे हैं जो कोई कर नहीं सकता। वहीं स्कूल शिक्षा परिवार इकाई चूरू ने भी आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM अभिषेक खन्ना को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल प्रभाव से स्कूल शुरू किए जाने, बिना TC प्रवेश नहीं लिए जाने, RTE का भुगतान तुरंत प्रभाव से किए जाने व सरकारी व गैर सरकारी स्कूल का पोर्टल समान रूप से खोले जाने की मांग की गई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अरशद खान, गिरधारी लाल गुर्जर, सुरेंद्र माहिया आदि स्कूल संचालक मौजूद रहे। आज 12 जुलाई 2021 को हम लोग स्कूल शिक्षा परिवार के नेतृत्व में SDM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगें रहेंगी कि एक तो जो RTE का भुगतान है वो हमें जल्द किया जाए, उसके साथ ही जो हमारा PSP पोर्टल है वो सरकार का जो पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग खोला हुआ बंद किया जाए। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि PSP पोर्टल हमारा जल्दी बंद कर दिया जाता है और गवर्नमेंट वाला लास्ट टाइम तक ओपन रहता है, जिस ये बड़ी विसंगति है। और साथ में हर स्टेट में स्कूलें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, 15 तारीख से हो जाएंगी। तो हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी राजस्थान में भी स्कूलें ओपन की जाए। इस संबंध में हम लोग SDM साहब को, और दूसरा सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है आज वो ये रहेगा कि TC के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि 8th क्लास तक और बिना TC के प्रवेश लिया जा सकता है, जिसको तुरंत प्रभाव से इसको निरस्त किया जाए, अन्यथा हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। चूरू की रतनगर नगर पालिका में वार्ड संख्या 6 में पार्षद के उपचुनाव को लेकर आज विभिन्न प्रमुख स्थानों जैसे मुख्य बाजार, बड़ौदा ग्रामीण बैंक के आगे एवं नगर पालिका के समक्ष अधिसूचना का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वार्ड के पार्षद एवं नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर के गत दिनों असामयिक निधन के बाद रिक्त हुए पार्षद के पद के लिए रतनगर नगर पालिका के रिटर्निंग अधिकारी SDM अभिषेक खन्ना व IAS के निर्देशानुसार यह नोटिस चस्पा किए हैं। इस दौरान अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद, कनिष्ठ सहायक तेज कुमार, विकास देव आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में NSUI के कार्यकर्ताओं ने मनीष सैनी को NSUI का जिला अध्यक्ष बनाने पर घंटा घर के पास आज आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
सामाजिक कार्यकर्ता रवि सैनी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सैनी लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय है और छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जो छात्र हितों के लिए संघर्षरत है। इस मौके पर जयप्रकाश माली, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सिंह, सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह रायका सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज सरदार शहर प्रेरणा मंच के तत्वावधान में सेना भर्ती दौड़ तिरंगा स्टेडियम में करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया गया। मंच के अध्यक्ष हंसराज सिद्ध ने बताया कि आगामी माह नवंबर 2021 में बहुप्रतीक्षित सेना भर्ती दौड़ का आयोजन सरदार शहर में होने जा रहा है। सेना भर्ती का यह कार्यक्रम शहर के राजकीय सेठ बुधमल दुग्गड़ राजकीय महाविद्यालय में स्थित तिरंगा स्टेडियम में आयोजित करवाने की मांग की गई है। इस अवसर पर लालचंद डूडी, संदीप कपूरिया, रामकरण आदि उपस्थित रहे। नवंबर में सेना भर्ती प्रस्तावित है चूरू जिले की, हनुमानगढ़ की, बीकानेर की, गंगानगर, झुंझुनू की, उसके बारे में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि सेना भर्ती जो सरदारसर में प्रस्तावित है तो वो तिरंगा स्टेडियम में आयोजित की जाए। तिरंगा स्टेडियम है जो SBD राजकीय महाविद्यालय की जो सरकारी भूमि है पीछे उसमें स्थित है, ताकि सरकारी भूमि पर ये आयोजन किया जा सके। पहले जो सेना भर्ती थी वो एक निजी संस्थान है, वहाँ पर जो ग्राउंड बनाया उसमें हुई थी। तो हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी सेना भर्ती आगामी नवंबर माह में प्रस्तावित है वो तिरंगा स्टेडियम में आयोजित की जाए, क्योंकि वहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। 400 मीटर का प्रमाणिक ट्रैक बना हुआ है, पेयजल की सुविधा है, लाइट की है, साउंड की व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, सारी व्यवस्था वहाँ पर एकदम सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे है। सरदार शहर के रोटरी क्लब द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर KKC कॉलेज के सौजन्य से 51 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सहायक प्रांतपाल राजकुमार तिवाड़ी, अध्यक्ष दीनदयाल भोजक, सचिव संजय कंदोई आदि उपस्थित थे। चूरू की स्थानीय उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में भारत विकास परिषद के पदाधिकारी पंकज मिश्र व अर्चना मिश्र अपनी स्वर्गीय पुत्री लाया मिश्र की स्मृति में नन्हे मुन्ने भैया बहनों के लिए तरण ताल बनवा रहे हैं, जिसका निरीक्षण आज स्वयं पंकज मिश्र, निरंजन चोटिया व प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने किया। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री शरद कुमार शर्मा जी ने मुझे एक तरण ताल बनाने के बारे में एक प्रस्ताव दिया और उन्होंने कहा कि हमारे शिशुओं को तरण ताल के बारे में बताने के लिए आवश्यकता है। तो मैंने उस पर घर पे भी और परिवार में विचार किया, विचार करने के बाद मैंने ये सोचा कि इस तरण ताल को बनवाने के लिए पूर्ण रूप से मैं सहमति दे रहा हूँ। और उसी के अवलोकनार्थ आज मैं सर जी के साथ और निरंजन जी चोटिया जी और किशन जी उन सबके साथ वहाँ से अवलोकन किया और उसको देखा तो रियल में वास्तव में बहुत ही सुंदर बनाया था। और मैं इसके लिए सरद जी को और उनकी टीम जो भी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना सुंदर कार्य किया उन्होंने। रतनगढ़ के गांव लोहा की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में संचालित खेलो इंडिया केंद्र पर नियमित अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को खेल किट का वितरण रविवार की शाम किया गया। केंद्र प्रभारी कुलदीप व्यास ने खिलाड़ियों से खेलो इंडिया केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाओं का सदुपयोग करते हुए पूर्ण तन्मयता से प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट परिणाम देने का आह्वान किया। इस मौके पर राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गोड़, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक श्रवण प्रजापत, हैंडबॉल प्रशिक्षक सुमन पूनिया सहित कई खिलाड़ी उपस्थित थे। सरदार शहर के श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने सेना के प्रमुख सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जन्म दिवस के अवसर पर आज गायों को गुड़ खिलाया। इस अवसर पर सेना के जिला सचिव चैन सिंह राजवी, तहसील सचिव गोविंद सिंह फौजी, तहसील उपाध्यक्ष ओकार सिंह आदि मौजूद थे। रतनगढ़ में आज ट्रैक्टर ट्रॉली में पशु चारा भरते समय 40 वर्षीय व्यक्ति की कार की टक्कर से मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे 11 पर सुजानगढ़ रेलवे फाटक पर बने ओवरब्रिज के पास की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ASI हिम्मत सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ के गांव नावा निवासी हिदयात खान व उसका साथी इमामुद्दीन ट्रैक्टर ट्रॉली में पशु चारा भर रहे थे कि इसी दौरान रतनगढ़ से फतेहपुर की ओर जा रही एक कार ने इमामुद्दीन के टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हिदायत की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इमामुद्दीन है, ये तूड़ी का ट्रैक्टर को लेकर जा रहे थे, तब यहाँ पर इनका ट्रैक्टर पलट गया, तूड़ी भर ली थी और ये सुबह उसके पास खड़े थे, तभी रतनगढ़ की तरफ से एक तेज गति वाला लापरवाही से गाड़ी चला गया जिसने इनको टक्कर मार दी, जिससे इसकी मृत्यु हुई।
सर अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, परिजनों ने लिखित में मुकदमा दर्ज करने हेतु रिपोर्ट की है, अब इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।